अब रोती भी रहेगी या मुझे कुछ बताएगी? पापा मुझे अक्षय के साथ नहीं रहना, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए, मैं उस घर में अब कभी वापस नहीं जाऊंगी पापा। पर हुआ क्या मुझे ये तो बता। पापा वो मेरे बेसिक नीड्स भी पूरे नहीं कर सकता यार, ये ज्वेलरी सेट दिला दो ना प्लीज। यार ये 2 लाख का है। हाँ सद्दाम, इसी महीने तुम्हारी बहन से मिलने बैंगलोर गए थे, ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, बजट भी मैनेज करना पड़ता है यार। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मत लो, तुम नेक्स्ट मंथ ले लेना। तो तुम्हारे पास ना मेरे लिए कभी पैसे ही नहीं होते, तुम अपना बजट अपने पास ही रखो। अरे यार ले लेना, नेक्स्ट मंथ ले लेना यार। तो इतनी सी बातों पे घर छोड़ा है? पापा इतनी सी बात नहीं है, आज सुबह तो उसने अपनी हद पार कर दी। देखो यार इस महंगाई के जमाने में चीजें मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम भी जॉब कर लो ना। देखो मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की थी कि मैं घर का काम भी करूं और बाहर का काम भी करूं, मुझसे बाहर की मजदूरी नहीं होती, मैं नहीं कर रही कोई जॉब। यार बात मजदूरी की नहीं है, अगर हम दोनों की सैलरी घर में आएगी तो चीजें मैनेज करना थोड़ा आसान होगा, और रही बात घर की तो घर का काम मिलवा के कर लेंगे ना, या फिर मेड रख लेंगे। देखो अगर ऐसा है ना तो मैं ये घर छोड़कर ही चली जाती, फिर तुम अकेले रहना इस घर में, फिर तो तुम्हारे कोई खर्चे नहीं होंगे ना। जा रही। अरे बेटा इन बातों पे रिश्ते नहीं तोड़े जाते। पापा वो मुझे काम कराना चाहता है, मुझे शांति से जीने नहीं देना चाहता है, आप मुझे ही गलत समझ रहे हैं। बेटा तू जैसा कर रही है ना वो ठीक नहीं है। पापा आप भी, अगर तेरी माँ जिंदा होती ना तो वो भी तेरा साथ नहीं देती। बेटा तेरी माँ ने और मैंने मिलकर तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, और तुझे जो भी मांगा हमने तुरंत लाकर दिया, और ये तभी पॉसिबल हो पाया जबकि मैं और तेरी माँ दोनों काम करते थे, और अगर अकेला मैं काम कर रहा होता ना तो तेरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल ही कर रहा होता। तेरी माँ और मेरे कमाने से घर में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही, तभी तुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, सपने पूरे किए। और वैसे भी मैं चाहता नहीं था कि तेरी माँ काम करे, लेकिन तेरी माँ ने ही मुझे समझाया कि अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो हमें अपने और बच्चों की इच्छाओं को मार के जीना नहीं पड़ेगा। बेटा हमारे टाइम में इतनी दिक्कत थी तो आज तो महंगाई आसमान को छू रही है, कल को तेरे बच्चे होंगे, स्कूल जाएंगे, अकेला सैलरी में घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई कैसे मैनेज करेगा? और वैसे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए आजकल इतनी फीस होती है ना कि देते हुए लोगों की कमर टूट जाती है। बेटा वो कुछ गलत नहीं कर रहा, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। और एक बात बता, तूने इतनी पढ़ाई करी है तो उसको काम मिला, और अगर तू काम करेगी तो तुझे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या उसको बोलना पड़ेगा? पापा आप सही कह रहे हैं। बेटा बात को समझो, उसका साथ दो, उसके ऊपर बहुत प्रेशर है और टाइम के साथ ये प्रेशर बढ़ेगा ही, इसके प्रेशर को कम करने में मदद करो, और अगर तुम दोनों मिलकर काम करोगे तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे और एक खुशहाल जिंदगी जियोगे। पापा पता नहीं मैं किस धुन में थी, मैं इन बातों को इस तरह से कभी समझ ही नहीं पाई। I'm really sorry पापा, मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया, मुझे अक्षय को इतना गलत नहीं समझना चाहिए था। I'm sorry। सॉरी मुझसे नहीं बेटा, उससे जाके मांग जा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा। If you are going through any psychological or relationship problem, then you can join our positivity group by the name of Nijo Positive. It's a community counseling group wherein you can submit your problems anonymously and people in the group will try to solve it or support you with positivity. The link is in the description below. Thank you. Bye-bye.